दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त भाई हम सफर विवेकानंद यादव। आप मेरा मोटिवेशनल चैनल बाय BNY लगातार देख रहे हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके अंदर छिपे जो दुश्मन है कैसे बाहर आवे? आप जरूर जानना चाहते होंगे। मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि जब मैं किसी भी कार्य में असफल होता हूं तो मैं सबसे पहले परिस्थिति को दोष देता हूं। परिस्थिति मेरे अनुकूल नहीं थी, मैं सफल नहीं हो सका। परिस्थिति मेरे पिताजी ने ऐसी पैदा कर दी कि मैं सफल नहीं हो सका। परिस्थिति मेरे परिजन ने ऐसा कर दिया, मैं सफल नहीं हो सकता। दोस्तों, परिस्थिति ही जिम्मेदार है कि आप सफल नहीं हो सके। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप बताओ कि परिस्थिति ही दोषी है कि मेरे अंदर कमियां है, मैं अपने कमियों को छिपाने के लिए परिस्थिति को दोष देता हूं। मैं जिस दिन ये मान लूंगा कि मैं अपने कमजोरियों और कमियों के कारण असफल हुआ तो मुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, असफल होना भी एक सीख है। आप असफल होते हो, सफल होने का आपको रास्ता मिलता है। आप असफलता से सफल होने का मूल मंत्र सीखते हो। आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर वो शक्ति है। आपको परमपिता परमेश्वर ने वो शक्ति प्रदान की है कि आप सफल हो सकते हो। हमें अपने आप से ये बातें निकालनी होगी कि परिस्थिति ऐसी थी तो हमने सफल नहीं हुआ। फलने ने फलने को मदद नहीं किया तो सफल नहीं हुआ। मुझे बैकिंग नहीं मिला तो मैं सफल नहीं हुआ। देश के अंदर दर्जनों ऐसे उदाहरण है जो आपको ये प्रेरणा दे रही है कि आप भी वो कर सकते हो जो फलने ने किया। उदाहरण स्वरूप जो मैं नाम एक दो बताने जा रहा हूं, उसने किया। एक गरीब घर में पैदा लिए हुए लड़के जिसके पिता नाव चलाकर अपने जीविकोपार्जन किया करते थे, अपने बच्चों को पालते थे, तमिल गरीब लड़का APJ अब्दुल कलाम जो साइकिल से अखबार यानी कि समाचार पत्र अपने इलाके में बेचा करता था, वो लड़का कभी हार नहीं माना। अपने आप को साबित करने के लिए उसने लगन के साथ मेहनत किया, पढ़ाई की और उसके अंदर में विद्वता था। अपने आप को परिस्थिति से नहीं जोड़ा, परिस्थिति से बाहर रखकर खुद समाचार पत्र बेचकर उसने अपने आप को ऊंचाई तक ले जाने का काम किया और उसने कई प्रकार का मिसाइल का निर्माण किया और उसे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। वो बहुत बड़े लेखक थे, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और देश के सबसे उच्च पद राष्ट्रपति के पद को उसने सुशोभित करने का काम किया। APJ अब्दुल कलाम इस देश के रत्न थे। उन्होंने राष्ट्रपति पद को हासिल कर बखूबी राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उन्होंने पद पर रहते हुए कार्य को किया। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी, उन्होंने कई मिसाइल बनाए, उन्होंने कई वैज्ञानिक प्रयोग किया और करके साबित किया कि गरीब का बच्चा देश का राष्ट्रपति पद भी जा सकता है और उसकी शोभा बढ़ा सकता है। मैं पहले भी कई वीडियो में आपको कई लोगों का नाम बताने का प्रयास किया, इसलिए कि आपके अंदर में चेतना आवे, आपके अंदर में जागरण आवे, आप आगे बढ़े। क्या आप आगे नहीं बढ़ सकते? क्या आप परिस्थिति का दोष देकर अपने आप को बचाने का प्रयास करते हो? कर्मठ बनो, कर्मठता से काम करो। जैसा सोचोगे वैसा निर्माण होगा। दोस्तों, परिस्थिति कुछ नहीं होता। दोस्तों, सहयोग कुछ नहीं होता। दोस्तों, नकारात्मक भाव से दूर रहने की आवश्यकता है और लगन के साथ लगकर किसी भी काम को कर सकते हो और सफल हो सकते हो।
क्या एक राष्ट्रपति पद को संभालने वाला अखबार बेचने वाला बन सकता है और देश के शीर्ष पद को सुशोभित कर सकता है, तो क्या आप नहीं कर सकते? क्या आज के नौजवान नहीं कर सकते? क्या आज के युवा वर्ग नहीं कर सकते हैं? क्या महिलाएं नहीं कर सकती है? क्या छात्रा नहीं कर सकती है? कर सकती है, लेकिन हम और आप अपने दुर्गुण को दूसरे पर थोप कर खुद को बचने का प्रयास करते हैं। इसलिए याद रखना, सफल होना है तो सफल व्यक्ति के नाम को याद करो, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को याद, अब्दुल कलाम को याद करो। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, भीमराव अंबेडकर जो देश के कानून लिखने वाले थे, संविधान लिखने वाले थे, उनका नाम याद करो। अन्य सारे बहुत सारे लोग हैं, उनको याद करके आगे बढ़ो। परिस्थिति को दोष देकर अपने दुर्गुण को छिपाने का प्रयास कभी मत करो। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक जरूर करें, कमेंट भी करें, शेयर करें व्हाट्सएप के माध्यम से, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। थैंक यू।